चैनल दोस्तों, कैसे आप लोग आए? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज जैसे आप लोगों की तरह मैं भी कह सकती हूँ कि मैं आज इतनी मतलब व्यस्त थी, बिजी थी कि मैं ब्लॉग थोड़ा सा देर से स्टार्ट कर रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मैं साड़ी वाड़ी में आज बड़ा रेडी हूँ। कोई फेस्टिवल है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आज कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं है। बस हाँ यही था कि आज थोड़े दिनों का काफ़ी दिन से चेंज के लिए मैं सोच रही थी कि साड़ी पहनो साड़ी पहनो। मुझे कमेंट बहुत सारे आ रहे थे, वेदर देख लो, धूप इतनी धूप है। कल तो खूब अच्छा मौसम था, बारिश बारिश थी, हाँ, लेकिन शाम को वेदर अब अच्छा होने लगा है। तो फिलहाल आज का मैं बता दूँ कुछ काम की बिजीनेस की वजह से, बिजी होने की वजह से थोड़ा सा ब्लॉग आज लेट स्टार्ट हुआ है। खैर स्टार्ट हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। तो वेदर तो खैर आज बहुत बेकार है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि आज अभी बेटी और ये घर ही पे हैं, आज वो स्कूल नहीं गई, वो अपने काम पे नहीं गए। कोई किसी को आज कोई काम नहीं था, आज स्कूल में कुछ था नहीं कुछ खास, तो वो बोली मैं नहीं जाऊँगी। आज सुबह से मैं अब आ रही हूँ बैल्कनी में, मुझे सुबह से फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं बैल्कनी में भी आती। तो आज मैं वीडियो के चक्कर में, आप देखो आ रही हूँ तो देख रही हूँ, आऊँ सुबह सही में बस जल चढ़ाने के लिए आई थी सवेरे, वो भी जब उठी थी तब। और अभी फ़िलहाल मैं रेडी हुई थी, काम हम अपना सब कुछ कर चुके हूँ, रेडी वेडी हुई थी ये सब रील्स के लिए। तो खैर अभी बनी नहीं है, बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है। तो आज कैसे, वैसे आज अभी कुछ खास है नहीं, और वो जो कल मीशो वाला प्रॉब्लम मैंने बताया था, मीशो का आज फिर से मैंने रिटर्न डाला हुआ है साड़ी का। देखो आज पिकअप होता है या नहीं होता है, मुझे नहीं पता। और वो जो हाँ बॉक्स आए थे वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो जो बॉक्स आए थे, पहले मैंने ग्रीन वाले मंगाए थे, ये देखो इस कलर के मंगाए थे, तो मैंने इसमें मसाले भर दिए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को खुल दिखाती हूँ, एक हाथ से ना बड़ा दिक्कत होती है, वरना इतना स्मूथ है ये डब्बा, मुझे बहुत पसंद आया। तो ये देखो इस तरीके से मैंने सारे मसाले उसमें कितने अच्छे से लगा दिए, दिख रहा है ना। तो इसी तरीके से मैंने पहले दो मंगाए थे, दो का ही सेट आता ही है एक्चुअली। तो मैंने एक सेट मंगाया ग्रीन कलर का, और उनको दोनों को मैंने अच्छे से लगा दिया, ये देखो। फिर मैंने कहा कि चलो दो और मंगाते, तो दो पिंक का मंगाया था। तो उस दिन जो आया था ना वो यही था, लेकिन अभी तक मैंने भरा नहीं है, अभी खाली है, तो इसको मैं लगाऊंगी आराम से। खोल के रख तो दिया है, और ये पता है ना, इसके आने की वजह से ये जो छोटी 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 रंग बिरंगी डिब्बियाँ थी ना, वो सब हट गई। क्योंकि मैक्सिमम भी आप लोगे ना तो 12 का डिब्बा आएगा, 12 मसाला नहीं होते, ज़्यादा ही और मसाले होते, तो 12 का वो 24 हो जाते, तो दो रंग की हो गई। बहुत ही मुश्किल होगा कि आपको एक जैसी 24 मिल जाए, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो उन सबसे छुटकारा पाने के लिए मैंने सब वो डिब्बियाँ फेंक दी, और एक ही में ये 4-4 कर लिया। तो ये रहता है कि एक ही बार डब्बा खोलो, 4 मसाले आपको एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बाकी के और वो दो मंगाए थे, तो मैंने खोलने का वीडियो तो नहीं बनाया, मैंने फटाफट खोल के कार्टन में झाड़ू लग रही थी, मैंने उसी समय सोचा कि कार्टन भी चला जाएगा, कूड़ा फेंक रहा है। तो यही था डिब्बा, यही आता। और साड़ी जो आई थी वो मैंने आप लोग कुछ दिन दिखाई थी सुबह से, अब मेरे को बैठने को मिला, वरना मैं बैक टू बैक काम में लगी हुई थी। और अभी सोच रही हूँ कि कैसे अपना ये वीडियो वगैरह शूट वगैरह का कुछ करूँगी, कैसे करूँगी मुझे पता नहीं, क्योंकि मन ये कर रहा है कि बस कमरे में जाऊँ और सो जाऊँ, बट नहीं, काम करना पड़ेगा। तो मैं डब्बे के बारे में बता रही थी, हाँ डब्बा उस दिन आया था, लोग खोल नहीं पाई थी, फिर कल मैंने उसको खोल के तुरंत वैसे ही कर दिया, वीडियो वीडियो नहीं बना पाई, फटाफट खोला और जस्ट उसके किचन में जस्ट रख दिया। अभी भरा भी नहीं है, देखो अभी भरा भी नहीं है। तो ये रही कहानी मीशो की। बाकी आज का क्या प्लान है, आज सोच रही हूँ इस्कॉन मंदिर हुआ हूँ, क्योंकि उस दिन गई थी भीड़ में, तो इतनी भीड़ थी, आप लोगों को बताया ही था ब्लॉग में, अगर नहीं देखा तो आप पीछे वाले ब्लॉग में देखो जाके, कि बहुत रश था, बहुत भीड़ थी, और खबर थी कि 12-1 बजे तक भी आपका नंबर रात में नहीं आएगा। और मुझे क्या था, मुझे अभी घर आके फिर पूजा भी करनी थी, जन्म करना था, और नीचे जो मेरे सोसाइटी में फंक्शन था वहाँ जाना था, तो कई काम थे, और फिर खाना भी खाना था, नेक्स्ट डे स्कूल भी था, ये भी टेंशन लग रही थी। तो इसलिए मैं फटाफट वापस आ गई थी, ये हुआ कि चलो दो कदम पे तो मंदिर है यार, फिर किसी दिन चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो दूर से आया है उन्हें दर्शन कर लेने दो। और मैं आप लोगों को जानते हो कि भीड़ से ऐसे ही मैं भागती हूँ, तब भी मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाई रही, मैं 40 मिनट्स हम लोग लाइन में लगे रहे,
कि मैं भीड़ में जाऊंगी, वरना दूर से, पहले तो मेरी ऐसी हालत होती थी मैं दूर से, मुझे पता भी चल गया अगर किसी ने बोल भी दिया कि वहां पे भीड़ है तो मैं जा नहीं सकती, मैं ऐसी थी। तो फिलहाल थोड़ा सा तो चेंज है, टच वुड। तो अब आप देखते हो आज जाके, आज थोड़ा खाली होना चाहिए, तो आज जाके दर्शन करके आती हूँ, आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी। तो फिलहाल इतना ही, अभी मिलती हूँ आपसे, थोड़ा बहुत और अपना काम हम ये शूट वाला वीडियो वीडियो वाला निपटा लेती हूँ, तो वरना ये सब खराब हो जाएगा, ये जो सब बनाया है ना, तो इसलिए। ये कैसे बनाती हूँ अगर आप लोगों को जानना चाहते हो ना, तो कमेंट करके, कमेंट कर देना, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि ये मैं कैसे अपने हाथ में बनाती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे। तो गाइस ये देखो लाइट्स ऑन हो चुकी है गाना की, क्योंकि गाना में आज भी मैच है। शाम की जल गई है दिया। तो कल था इकाना में लखनऊ और नोएडा का मैच, कौन जीता कौन हारा मुझे नहीं पता, और आज है लखनऊ का गोरखपुर के साथ। तो इकाना स्टेडियम में रोज ही डेली ही मैच हो रहे हैं आजकल तो, और मैंने कर लिए हैं चेंज शाम का दिया व्या जलाने के बाद, मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखो मैंने राधे वाला ये मंगवाया था मीशो से, तो मैंने जन्माष्टमी वाले दिन भी पहना था इतनी, लेकिन हबड़ तबड़ में ना मैं दिखा नहीं पाई, मैं बता नहीं पाई। तो मुझे ये ऐसे लंबे वाले ना ये बहुत अच्छे लगते, तो ऐसे ये यहाँ पे ऐसे टंगे रहते हैं, लटके रहते हैं, और इसमें राधे लिखा हुआ है, उल्टा दिख रहा होगा, अब देखो सीधा दिख रहा है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और अब हम लोग जा रहे हैं भाई इस्कॉन मंदिर, अभी ये रेडी नहीं है इसलिए मैंने अभी बाल नहीं खोले, मैं पूरी रेडी हूँ, बस बाल खोलने हैं और बस मुझे निकलना है। तो गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी और बस लॉक लगाना है, हम लोग ने ये पहने वो पहने, अरे कोई भी यार पहन ले, तो नहीं नहीं कोई ऐसे नहीं करेगा, पर कैमरे लगे हुए हैं। तो चलो लॉक करके हटो रास्ते से, हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन और आते हैं अभी। हाँ मम्मी जी, मम्मी हो गई थी रखते हो ना भी होगा तो वो मेन लाइन लगी है यहाँ पे प्रसाद के, प्रसाद में मिलता है खिचड़ी, ये यहाँ पे भोग मिल रहा है, लाइन बहुत ज़्यादा है, हम लोग जा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के बाद, थोड़ी देर वहाँ पे बैठने के बाद, हम लोग पहुँचे लुलु मॉल, लुलु मॉल के रॉयल कैफ़े में, क्योंकि यहाँ का हम लोग को खाना पीना स्नैक्स जो भी होता है ना बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने सोचा चलो आज बाहर ही खा लेते हैं, क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं था घर में आज, क्योंकि मैं अपने कामों में लग गई। और ये बेबी मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो हम लोग को देख रहा था, हम उसे देख रहे थे, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली। और आखिरी में खाई सौंफ मिश्री और निकल पड़े। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे कितने फेमस पर्सनालिटीज़ की सबकी फ़ोटो लगी हुई थी, तो मैंने थोड़ी खींच ली। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर और खा पी के, और अब जाऊँगी भगवान का लगाऊँगी भोग वगैरह, क्योंकि जल्दबाजी में उनको लगाना भूल गई थी। और मैच अभी भी चल रहा है गाना में राग गजब का, और काजल लगाने का ये को यही एक प्रॉब्लम है, ये पूरा फैल जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने काजल करीबन एक साल हो गया लगाती नहीं हूँ मैं, और गर्म बहुत है, मैच अभी भी चल रहा है।
तो खैर चलो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म अंत, और मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप देखो ये वाला ब्लॉग और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।